तो चलिए दोस्तों, आज हम देख लेते हैं हरियाणा वन लाइनर जीके का पार्ट नंबर 15। तो चलिए इस वीडियो को जल्दी जल्दी हम रिवीजन कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है, भारतीय सिनेमा की प्रसिद्ध गायिका जोहरा बाई कहाँ की रहने वाली हैं? तो इसका आंसर है अम्बाला की। आगे है, प्राचीन काल का विराट नगर अब किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है पिंजौर के नाम से। आगे है, गौतम ऋषि के आश्रम के लिए प्रसिद्ध गोंदर किस जिले में है? तो इसका आंसर है करनाल में। आगे है, किस स्पेस शटल दुर्घटना में कल्पना चावला की मृत्यु हुई थी? तो इसका आंसर है कोलंबिया हादसे में। इसके बाद है, करनाल जिले का कौन सा गांव मेलों का गांव कहलाता है? तो इसका आंसर है सालवन गांव। इसके बाद है, कुरुक्षेत्र के किस सरोवर में सूर्य ग्रहण पर स्नान करते हैं? तो इसका आंसर है ब्रह्म सरोवर। इसके बाद आगे है, पौराणिक ग्रंथों में किसे सूर्यपुत्री और यम की बहन कहा जाता है? तो इसका आंसर है यमुना नदी को। आगे है, वाइट प्लेस कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर है पटौदी में। आगे है, हरियाणा का चंदन वृक्ष किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है जाटी को। इसके बाद है, 1857 की क्रांति के समय मेरठ के कोतवाल कौन थे? तो इसका आंसर है राव किशन गोपाल। इसके बाद आगे है, हरियाणा का प्रथम भीम अवार्ड किसे दिया गया? तो इसका आंसर है गीता जुत्सी को। आगे है, हरियाणा का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? तो इसका आंसर है रेवाड़ी रेलवे जंक्शन। आगे है, 17 फरवरी सन 1921 को वैश्य हाई स्कूल रोहतक की नींव किसके द्वारा रखी गई? तो इसका आंसर है महात्मा गांधी के द्वारा। आगे है, शास्त्रीय संगीत के लिए प्रसिद्ध पंडित जसराद का जन्म हरियाणा में कहाँ पर हुआ? तो इसका आंसर है सफीदों में, जो जींद में है। आगे है, नर नारायण गुफा किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर है यमुनानगर में। आगे है, सुनीता शर्मा व निर्मल गुलिया का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर है जिम्नास्टिक से। आगे है, हरियाणवी रामायण किसके द्वारा लिखी गई? तो इसका आंसर है खुदा बख्श अहमद के द्वारा। आगे है, हरियाणा में सैनिटरी उद्योग के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है बहादुरगढ़। आगे है, हरियाणा का कालिदास किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है पंडित दीपचंद बहमन को। आगे है, वर्धन वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसका आंसर है पुष्यभूति के द्वारा। आगे है, 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में हरियाणा के किस खिलाड़ी ने निशानेबाजी में स्वर्ण पदक प्राप्त किया? तो इसका आंसर है गगन नारंग ने। आगे है, भीम सिंह स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर है भिवानी में। आगे है, नाहर सिंह स्टेडियम कहाँ पर है? तो इसका आंसर है फरीदाबाद में। आगे है, हरियाणा के किस शहर को मिनी क्यूबा भी कहा जाता है? तो इसका आंसर है भिवानी को। आगे है, बांग झंकारा स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर है झज्जर में। आगे है, रानी रामपाल का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर है हॉकी से। आगे है, महावीर स्टेडियम हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर है हिसार जिले में। आगे है, प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी ममता खर्ब ने किस फिल्म में काम किया है? तो इसका आंसर है चक दे इंडिया फिल्म में। इसके बाद है, छोटू राम खेल स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर है रोहतक में। आगे है, वार हीरोज मेमोरियल खेल स्टेडियम हरियाणा में किस शहर में स्थित है? तो आगे है अम्बाला में। इसके बाद है, मोतीलाल नेहरू खेल विद्यालय हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर है राई में। इसके बाद है, योगेश्वर दत्त ने किस ओलंपिक की कुश्ती स्पर्धा में कांस्य पदक प्राप्त किया था? तो इसका आंसर है लंदन ओलंपिक में। इसके बाद है, हरियाणा के प्रसिद्ध पहलवान योगेश्वर दत्त किस जिले से संबंध रखते हैं? तो इसका आंसर है सोनीपत से। आगे है, हरियाणा के किस शहर को हॉकी की नर्सरी भी कहा जाता है? तो इसका आंसर है शहबाद को। आगे है, हरियाणा के प्रसिद्ध मुक्केबाज विजेंद्र सिंह किस गांव से संबंध रखते हैं? तो इसका आंसर है कालुवास से। आगे है, मुक्केबाज विजेंद्र सिंह ने बीजिंग ओलंपिक में कौन सा पदक प्राप्त किया था? तो इसका आंसर है कांस्य पदक प्राप्त किया था। आगे है, हरियाणा सरकार के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो इसका आंसर है भीम पुरस्कार। आगे है, अखिल कुमार का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर है मुक्केबाजी से।
आगे है, प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग हरियाणा के किस गांव से संबंधित है? इसका आंसर है छोड़ानी गांव से। आगे है, ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली महिला पहलवान साक्षी मलिक हरियाणा के किस गांव से संबंधित है? तो इसका आंसर है मोखरा से। आगे है, हिंद केसरी व भारत केसरी का खिताब किस खेल में दिया जाता है? तो इसका आंसर है कुश्ती में दिया जाता है। आगे है, हरियाणा हरिकेन किस खिलाड़ी को कहा जाता है? तो इसका आंसर है कपिल देव को। आगे है, कर्णम मलेश्वरी का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर है भारोत्तोलक से। आगे है, विश्व कप में लगातार 3 बॉल पर 3 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? तो इसका आंसर है चेतन शर्मा। आगे है, पद्मश्री तथा द्रोणाचार्य अवार्ड प्राप्त करने वाली सुनील डबास का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर है कबड्डी से। इसके बाद आगे है, राष्ट्रमंडल खेलों में कुश्ती स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला खिलाड़ी कौन था? तो इसका आंसर है लीला राम। आगे है, हरियाणा के कुल कितने खिलाड़ियों ने रियो ओलंपिक्स में भाग लिया था? तो इसका आंसर है 23 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। आगे है, गौरी शोरण और विश्वजीत दो भाइयों को सन 2017 में भीम अवार्ड से सम्मानित किया गया था, इनका संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर है शूटिंग से है। आगे है, दीपा मलिक ने पैरा ओलंपिक में किस इवेंट में रजत पदक जीता है? तो इसका आंसर है गोला फेंक में। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, दीपा मलिक को किस आयोग का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया? तो इसका आंसर है निर्वाचन आयोग का। तो देखिए दोस्तों, अगर आप हमारी इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.haryanadistrict.com पर लॉगिन करना बिल्कुल मत भूलिए। वहाँ पर आपको PDF के अलावा हरियाणा जीके और सामान्य जीके की भी काफ़ी सारी जानकारी मिल जाएगी। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी दोहराना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, जल्दी ही मिलेंगे ऐसी ही एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।